खबर देहरादून से है, जहां पर जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा शहर में सुगम यातायात व्यवस्था के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत ही काबुल हाउस में पार्किंग निर्माण प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें कि लगभग 285 छोटे वाहन पार्क किए जा सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर 99,35,000 की लागत से प्रोजेक्ट पर तेजी से कार्य चल रहा है, जिस पर कि जिला अधिकारी ने अधिकारियों को यहाँ पर कार्यों को तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। तो ये भी बताया जा रहा है कि उप जिला अधिकारी सदर और अन्य रेखीय विभागों के अधिकारियों के भ्रमण पर है, ताकि शहर में जाम एवं पार्किंग की समस्या को लेकर यहाँ पर सुधारात्मक कार्य धरातल पर किए जा सके। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की खास रिपोर्ट। हमारे गवर्नमेंट की यही लक्ष्य है कि जो हमारा रैपिडली इवॉल्विंग अर्बनाइज्ड एरिया है, वहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट, पार्किंग, लॉ एंड ऑर्डर, रोड एक्सीडेंट, इन सब की सुव्यवस्थित अरेंजमेंट्स हम मैक्सिमाइज करें। तो उसी के दृष्टिगत हमारी सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, और हमारे सारे कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, ट्रेडर एसोसिएशन हैं, उच्च स्तरीय हमारे विभागीय अधिकारीगण हैं। तो सबकी तरफ से ये प्रायोरिटीज थी कि एक तो हम कोर ऑफ द सिटी में जितनी पार्किंग लॉट्स डेवलप कर सकते हैं, उसी की तर्ज पे ऑटोमेटेड पार्किंग और जिस काबुल और सरफेस पार्किंग कार्य ऑलरेडी गतिमान है।